हमारे भारत में बहुत सारी दंत कथाएं और किस्से कहानियां मौजूद हैं, जिनके सच होने का दावा लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। आधी रात में चुड़ैलों के रोने से लेकर किसी सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत के घूमने तक की कहानियां देश के हर कोने में प्रचलित हैं। और आज हम ऐसी ही असली माने जाने वाली पांच कहानियों के बारे में बात करेंगे। निशी, जिसका मतलब है रात की आत्मा, अपने शिकार को उनके प्रियजनों की आवाज में पुकारती है। कहा जाता है कि निशी हमेशा रात के समय ही आती है और जो कोई भी उसकी पुकार का जवाब देता है वो सम्मोहित होकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और दोबारा कभी नहीं लौटता। इसीलिए आज तक कोई नहीं जान पाया है कि निशी के शिकार बने लोगों के साथ क्या हुआ। निशी की आवाज को निशिर डाक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है रात की आत्मा की पुकार। इस दंत कथा के मुताबिक निशी सिर्फ दो बार ही पुकार सकती है और किसी को भी रात्रि में इसकी आवाज का जवाब नहीं देना चाहिए जब तक कि वो तीन बार ना आ जाए। इस भारतीय दंत कथा के मुताबिक मांडे बुरुंग कथित तौर पर गोरिल्ला या चिंपैंजी जैसा जीव है, जो मेघालय की गारो पहाड़ियों के जंगलों में देखा जाता है। हालांकि ये जीव किसी इंसान पर हमला नहीं करता, जैसे एक बिगफुट कभी नहीं करता। अब तक 16 स्रोतों से इस 9 फुट लंबे एप को देखे जाने की बातें सामने आई हैं। कहा जाता है कि मांडे बुरुंग या इसके रिश्तेदार दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग नामों से मशहूर हैं, जैसे नेपाल और तिब्बत में येती, बांग्लादेश में बान मानुष, चीन में येरेन और उत्तरी अमेरिका में बिगफुट। नाले बा, जिसे स्त्री भी कहा जाता है, 90 के दशक में बेंगलुरु की एक प्रचलित दंत कथा थी। जब बेंगलुरु एक पिछड़ा इलाका था तो रात में इसकी सड़कों पर एक चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में गश्त लगाती थी। निशी की तरह ये भी लोगों के दरवाजे खटखटाती और प्रियजनों की आवाज में उन्हें पुकारती। जो कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत करता उसकी 24 घंटे में मौत हो जाती। धीरे धीरे लोगों में डर और घबराहट का माहौल पैदा हो गया और कईयों ने बेंगलोर छोड़ने का फैसला किया। मगर कुछ समय बाद एक उपाय निकाला गया। लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर कन्नड़ में नाले बा लिखा, जिसका मतलब है कल आना। माना जाता है कि चुड़ैल आती और घर के बाहर नाले बा लिखा देख चली जाती। ये कथा इतनी सच मानी जाती है कि बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में 1 अप्रैल को नाले बा दिवस भी मनाया जाता है। बंगाल में जंगलों के पास रहने वाले लोगों को किसी से इतना डर नहीं लगता जितना उन्हें पेंचा पेंची से लगता है। ये एक भूत है जो किसी उल्लू का रूप लेने में माहिर होती है। ये भूत जंगल में जा रहे ट्रैवलर्स का पीछा करती है और जब वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो उन पर हमला करके उनका सारा खून चूस जाती है। ये कहानी थोड़ी थोड़ी मैक्सिको की अर्बन लेजेंड ला मुहेर लेचूजा जैसी है, जिसके बारे में आई बटन में आ रही वीडियो में बताया गया है। प्रेतनी भारत की एक दुष्ट भूत है जो मरने के बाद अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए वापस लौट आती है। हालांकि ये भूत इंसानों जैसी दिखाई देती है, पर एक चीज इसकी बिल्कुल इंसानों से अलग होती है, वो इसके पैर। प्रेतनी के पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। कहा जाता है कि प्रेतनी अपने शिकार को बहुत क्रूर तरीके से मार डालती है और इससे बचने का कोई तरीका फिलहाल किसी को नहीं पता। प्रेतनी की कहानी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में भी काफी फेमस है और कुछ लोग इसे सच भी मानते हैं। तो ये थी भारत की कुछ रिडिकुलसली ट्रू माने जाने वाली कहानियां। आपके इन सब के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।